अब प्रॉफिट समझते हैं। प्रॉफिट ठीक, या तो गेन हम कह सकते हैं, या तो गेन। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। ठीक है, अब ये फर्स्ट आपका हो चुका है फॉर्मूला। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपके पास में प्रॉफिट गिवन है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि आपके पास में प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला में बना रहा हूं, अगर प्रॉफिट आपके पास में गिवन है और सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस हम यहां से पता कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे जरा देखो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, और निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, या तो पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास में क्या होगा, इसको शिफ्ट करो आप किधर, राइट हैंड साइड पे। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट में अगर हम कॉस्ट प्राइस को जोड़ दें तो यहां से हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, ये हमने इसको बनाया है। ठीक है, आगे में अगर हमें मान लीजिए कि निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो प्रॉफिट को इधर लाओ, कॉस्ट प्राइस को उधर लेके जाओ। तो आने की नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा बनेगा यहां से, वो सेलिंग प्राइस, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यहां से पता चल जाएगा। यानी कि इसमें क्या चीजें, डेटा है प्रॉफिट है, दूसरा सेलिंग प्राइस है, तीसरा कॉस्ट प्राइस है, तीनों में से आपको दो चीज दिया जाएगा और एक चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, इजिली निकाल लेंगे। सेकेंड फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास में कि प्रॉफिट परसेंट अगर दिया रहे, है ना, अगर या निकाला निकालने के लिए बोला जाए, या तो गेन परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहां से सिमिलर आप निकाल सकते हो। अगर मान लो कि प्रॉफिट आपके पास में दिया है कि 20-50 रुपीज का, ठीक है, तो आप यहां से प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, अगर मान लो कि प्रॉफिट निकालना है तो अब सुनो क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाइड में आ जाएगा सीपी, और डिवाइड में आ जाएगा क्या, 100 आ जाएगा। तो यहां से प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट पता चल जाएगा। और अगर मान लो कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करोगे, इसको शिफ्ट कर दो कॉस्ट पे और इसको यहां लेके आ जाओ। यानी कि हम यहां से बना सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। ठीक है, तो यहां से आप सीपी भी निकाल सकते हो, दो हो गया। आगे में चलते हैं और तीसरे फॉर्मूले की हम तरफ बढ़ते हैं कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आप सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ, ठीक है, जब आपके पास में गिवन है, क्या गिवन हो, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी, है ना, डिवाइडेड बाय सीपी, और मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा मैंने मिस्टेक यहां से किया, सीपी बेटे डिवाइड में नहीं आएगा, 100 मल्टीप्लाइड में सीपी आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है, थोड़ा कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है जिसके वजह से माइंड जो है ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपके पास में, अगर मान लो कि 10% गेन हुआ है, 5% गेन हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, 100 में ऐड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाइड कर दोगे आप किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हुआ। अगर यहीं पे हम कॉस्ट प्राइस निकालें तो क्या होगा, जरा सा देखो। ठीक है, इसमें अगर बोलोगे तो मैं छेड़ सकता हूं, लेकिन चलो कॉस्ट प्राइस यहीं से निकालते हैं। फोर्थ फॉर्मूले में हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो देखो ये मल्टीप्लाई इससे कर दो। ठीक है, एसपी को मल्टीप्लाइड कर दो 100 से, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर लिख दो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या भैया गेन। ठीक है, लेकिन जो बुक में आप देखोगे तो एसपी बाहर है,
तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखो हमने क्या किया, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई होगा एसपी के, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है किसके, कॉस्ट प्राइस के, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस तरीके से फॉर्मूले नहीं निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसको माइंड में रख सकते हो, लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि आप जो है लर्निंग ना करके आप जो है आसानी से इसको जो है तरीके से निकालने के लिए सीख जाओ, ठीक है। अब देखो अगर मुझे प्रॉफिट पता है तो लॉस का मैं सारा फॉर्मूला निकालूंगा इसी के बेसिस पे। प्रॉफिट का अगर मुझे सारा कंसेप्ट पता है तो लॉस को मैं बहुत इजीली से कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, देखो पहला क्या है प्रॉफिट, तो यहां लिखो लॉस, ठीक है, लॉस इज इक्वल टू, लॉस में पलट दो भाई, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा दो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दो, पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सिमिलर यहां से कैलकुलेट करोगे इनको, ठीक है, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस निकालना तो सेलिंग इधर ले आओ, अगर मान लो ये मेन फॉर्मूला हो गया, अगर इसका मैं छोटा बनाने के लिए जाऊं तो अगर मुझे एसपी निकालना है तो लॉस, ठीक है चलो सॉरी कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं, लॉस प्लस एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस निकल गया। अगर मान लो कि अपने को निकालना है सीपी, ठीक है, सीपी तो निकाल चुके हैं, एसपी निकालना है, ठीक है, चलिए एसपी निकालना तो क्या करेंगे भाई, जरा सा देखो, ठीक है, एसपी को इधर ले आओ, लॉस को इधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो यानी कि एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना इधर आने के बाद में, माइनस लॉस, ठीक है, निकल गया। सेकेंड आ जाते जो मेन फॉर्मूला है, सेकेंड हमारा क्या है लॉस परसेंट, है ना, यहां प्रॉफिट परसेंट था, अब क्या करना अपने को लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं करना यार, पहले आप प्रॉफिट परसेंट निकाले हो तो प्रॉफिट परसेंट में क्या किया हो जरा सा ध्यान दो, हमने कहीं मिस्टेक किया क्या कुछ, ना सही है, ठीक, तो लॉस परसेंट में क्या होगा, यहां लॉस डिवाइडेड बाई सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, देख लो, ठीक है, देखो प्रॉफिट परसेंट में क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 था, तो लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, सिंपल सी बात है। और जिस तरीके से हम और फॉर्मूले निकाले उसी तरीके से इसमें भी निकाल सकते हो, चलो हम करके दिखाते हैं। अगर सपोज दैट लॉस परसेंट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है और लॉस पूछा है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100, गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ एक एस छूटा हुआ तो ये मैंने छोटा बना लिया, ठीक है, लॉस पता चल गया। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस इसको चेंज करते हैं, तो लॉस डिवाइडेड बाय लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये निकल जाएगा। और आगे में चलते हैं तो दूसरा तो क्लियर हो गया, तीसरा हमारे पास में कौन सा आया था, ये वाला एसपी वाला, ठीक है, अगर लॉस में है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो तीसरा में आ जाओ, जरा सा लॉस में हम बात कर रहे हैं ना, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखो अब यहां क्या करोगे, 100 में से लॉस परसेंट को घटा दोगे, यहां पे जोड़ा था यहां पे आपको घटाना है और 100 से डिवाइड करना है भाई, और मल्टीप्लाइड किससे करना है, कॉस्ट प्राइस से करना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से करना है, ठीक, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, इनको पलट दोगे, ठीक है, तो वही मैं काम यहां कर रहा हूं। चौथे में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना अपने को, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया कॉस्ट प्राइस का। तो देखो अगर आपको प्रॉफिट या गेन का फॉर्मूला पता है चारों, तो आप आराम से आप जो है फॉर्मूला बना सकते हो किसका, लॉस का,
ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है कि जहां जहां प्रॉफिट है वहां वहां लॉस करना है, जहां पे आपने एडिशन किया है वहां पे क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है 100 के साथ में, ठीक है। अगर आप इतना काम कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है ना प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, फिजिक्स रटने की चीज है ना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में कुछ जो है केमिकल रिएक्शन वगैरह यानी कि केमिकल रिएक्शन कह रहा हूं, आपको जो एलिमेंट है उनको माइंड में रखना पड़ता है, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन यार मैथ में एक फॉर्मूले से आप अनेक फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। कुछ फॉर्मूले मैं तो कहूंगा कि रटने की कोशिश ना करो, प्रैक्टिस कर लो उसको 2 से 3 बार 4 बार, ठीक है, तो वो माइंड में आपको आ जाएगा। जिस तरीके से हम लोग रिवाइज करते थे, रिवाइज में रटते थोड़ी हैं, उसको पलट के देखते चले जाते हैं, अच्छा ऐसे किया था, अच्छा ऐसे किया, वो क्या होता कि रिकॉलिंग होते चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है हम लोग के दिमाग से नहीं निकलता, निकलता है, लेकिन उसको देखने के बाद में फिर वो माइंड में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉफिट पता है या लॉस पता है तो गेन बना सकते हो, और अगर गेन पता है तो आप लॉस में उन फॉर्मूले को कन्वर्जन कर सकते हो। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रॉफिट और लॉस पे, ठीक है, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज का करा दिए हैं, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन की रेशियो और परसेंटेज का उसमें मैं मिक्स करूं, उसके बाद में प्रॉफिट और गेन का, उसके बाद में आपका बच क्या गया वो मैं जरा सा बता दूं। कंपाउंड इंटरेस्ट बचा हुआ है, टैक्स आपका बचा हुआ है, टैक्स नहीं कराया, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कराया और डिस्काउंट नहीं कराया, 4 टॉपिक बचे हुए हैं। कंपाउंड बचा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट बचा हुआ है और जीएसटी बचा हुआ है, यानी कि जीएसटी को हम कंक्लूड करेंगे किसमें, टैक्स में, और डिस्काउंट बचा हुआ है, ये 4 है, उसको हम आराम आराम से करेंगे, यार पहला लेक्चर है तो ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। तो आप लोग इंजॉय करिए और पढ़ते रहिए।